YouTube के वीडियोस देख रहे हो, अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को रिंग कीजिए। इसमें बहुत सारे टिप्स, कुकिंग आइटम्स एक्सक्लूसिव है जो आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। और गार्डनिंग, अभी किसी ने डिमांड किया है फेस के बारे में ब्यूटी के टिप्स देने के लिए, थैंक यू सो मच। आप देख रहे हो इसके लिए, तो आपके लिए ब्यूटी के टिप्स बहुत सारे आगे आने वाले हैं। तो आज मैं क्या किचन में बनाने वाली हूँ वो है जूस। ये जूस इम्यूनिटी पावर बहुत इंक्रीज करता है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, हेयर के लिए अच्छा है, फेस के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये जूस है आंवले का, गूसबेरीज, बिग गूसबेरीज। ये जूस मैं हमेशा घर में बनाती थी काफी सालों से, लेकिन मैं इसे नमकीन बनाती थी पुदीना के साथ और जीरा के साथ और सॉल्ट के साथ। ये मैं सॉल्ट वाला बनाती थी, तो मेरे हस्बैंड तो बहुत, उनको बहुत अच्छा लगता था, वो पीते थे, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा सार साइड में होता है, नमकीन होता है, उनको उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए और कुछ चीजें हमने और ऐड की ताकि बच्चे भी पी सकते हैं और इसका कलर भी बहुत ब्यूटीफुल होता है। सॉल्ट वाले जो भी पीना चाहते हैं वो पुदीना, जीरा और सॉल्ट, अदरक और आंवला डालें। लेकिन जो स्वीटर साइड पीना चाहते हैं, आज स्वीटर साइड और बच्चों के लिए भी है क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी हमको बढ़ानी है। और इस डिश के लिए एक क्रेडिट मैं दूंगी मैं अपने हस्बैंड को, क्योंकि जैसे मैं उनको बोलती थी हल्दी बहुत अच्छा है, तो बोलते थे चल असली आज आंवला में हल्दी डाल देते हैं। तो पूछते थे उसमें कोई जूस ऐड करूँ, मैं ये ऐड करूँ, तो मैं उनको बोलती थी हाँ चल ठीक है ऐड कर सकते हैं, ऐड करके दे देती थी। लेकिन एक दिन वो किचन में गए और उन्होंने कहा नहीं आज मैं बनाऊँगा, आज क्वारंटीन में मैंने कुछ नहीं किया तो जूस मेरी तरफ से। तो उनका जूस बहुत यम है, दिस रेसिपी इज फ्रॉम माई हस्बैंड, यम। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, आंवला, अदरक, हल्दी पिंच और पाइनएप्पल का जूस। आप कोई भी जूस ऐड कर सकते हो, लेकिन पाइनएप्पल और हल्दी का कलर में पता ही नहीं चलेगा और बिल्कुल यम लगता है। आप बिल्कुल ट्राई कीजिए पाइनएप्पल के साथ, दूसरी चीज़ों के साथ भी ऐड कर सकते हो, लेकिन वो डोमिनेंट होएगा, इसमें आपको आंवले का बताएगा और यम्मी होएगा। कलर्स गो विथ येलो एंड पाइनएप्पल येलो, ठीक है। तो इसके साथ हमको कुछ नहीं करना, सब चीज़ों को साथ में मिक्स करके ग्राइंड कर देना, आंवला को कट करना है, अदरक को छोटे छोटे पीस करके और हल्दी को पिंच डाल के, जूस को भी मिक्सी में डाल के एक ही बार ग्राइंड करके फिर ठंडे पानी में, अभी आप बताते हैं ग्राइंड करके। तो अभी हम इसको देखो जूस बन गया है, तो थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे अच्छा टेस्ट आने के लिए। थोड़ा सा अभी हम थोड़ा इनोवेटिव करेंगे, ब्लैक पेपर डाल, ब्लैक पेपर बहुत अच्छा है बस। तो हम लोग अभी इसको टेस्ट करेंगे। मैंने चिल्ड वाटर लिया है, आप जितना ठंडा लेना चाहते हो, नॉर्मल टेम्परेचर में लेना चाहते हो। थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, अभी देखिए मैंने थोड़ा सा सब कुछ डाल दिया है, सॉल्ट भी करेक्ट है और मीठे साइड में मीठा है तो बच्चों के लिए ज़्यादा पाइनएप्पल डालना है, बस एकदम बढ़िया है, मीठा भी है। और जैसे मैंने आपको कहा है कि जिनको नमकीन पीना है वह पुदीना, जीरा, काली मिर्च, अदरक डाल दें, पाइनएप्पल को अवॉइड कर दें, बाकी सब चीज़ें डालें और भी इनोवेटिव करें। वाओ, कितना प्यारा कलर है, कितना ब्यूटीफुल कलर है। ये पाइनएप्पल जूस के ऐड करने की वजह से थोड़ा सा येलो, थोड़ी सी हल्दी भी डाली ना, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा हल्दी डली है। तो ऐसे आप जूस बना के हल्दी भी पिला सकते हो, बच्चे अलग से हल्दी वाला नहीं पिएंगे, यम्मी है। तो चलो अभी हम कुछ डेकोरेशन भी करते हैं, डेकोरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे जब भी आप सर्व करें तो थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं कि आप अदरक, आंवला, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के सर्विंग कर सकते हैं, साथ साथ में आप जूस पी सकते हो, साथ साथ में थोड़ा सा नमक डाल के अदरक को ऐसे ही चूस कर सकते हो आराम से, क्योंकि ये अदरक भी बहुत अच्छा है खाने के लिए, थ्रोट के लिए। तो
आप अदरक साइड साइड थोड़ा सा नमक डाल के आंवला भी साथ साथ में खा सकते हो तो यम्मी होगा। तो थोड़ा सा डेकोरेशन कर देते हैं। तो गेस्ट बैठे हुए थोड़ा टाइम पास के लिए अदरक और आंवला भी साथ साथ में खा सकते हैं। तो सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे बहुत सारे जूसेस है, रायता है, कुकिंग्स है, बहुत कुछ है। तो प्लीज कम सब्सक्राइब, प्लीज पुट ऑन योर डिमांड्स। थैंक यू सो मच।